हेलो एवरीवन, मैं हूँ उषा। वेलकम टू देसी मार्टिनी डेली पंच। देसी मार्टिनी की टीम एक बार फिर ले आई आप सभी के लिए एंटरटेनमेंट जगत की पांच बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो खबर है जो आज सुर्खियों में बनी रही। कोरोना काल की शुरुआत से लेकर अभी तक बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लोगों के लिए उनके मसीहा बने हुए हैं। गरीब मजदूरों को सेफली उनके घर पहुंचाना हो या जरूरतमंदों तक खाना, सोनू सूद ने अपने सिर उठाई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और अब वो देश को ऑक्सीजन प्लांट देने वाले हैं। हाल में दिए एक इंटरव्यू में सोनू सूद ने बताया कि उन्होंने फ्रांस से चार ऑक्सीजन प्लांट के बारे में बात की है, जिसमें से एक ऑर्डर भी कर दिया गया है। ये ऑक्सीजन प्लांट 10-12 दिन में देश पहुंच जाएगा, जिससे कई कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। बता दे, कोरोना काल के बाद भी सोनू सूद का नाम और उनका काम हमेशा याद किया जाता रहेगा। साउथ की फिल्मों के जबरदस्त सुपरस्टार जूनियर NTR ने सोशल मीडिया पर इन्फॉर्म किया कि उनका COVID-19 टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है। सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ ये जानकारी शेयर करते हुए NTR ने बताया कि वो और उनकी फैमिली आइसोलेशन में चले गए हैं, डॉक्टर से लगातार सलाह ले रहे हैं और सभी जरूरी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दें कि जूनियर NTR अब बाहुबली डायरेक्टर SS राजामौली की नेक्स्ट फिल्म RRR में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ रामचरण तेजा, आलिया भट्ट और अजय देवगन भी हैं। नवाजुद्दीन अपने प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी आगे बढ़ते जा रहे, लग रहा है दैट देयर आर हर्डल्स कमिंग अप इन हिज पर्सनल लाइफ। Last year, his wife Alia had filed for divorce against him, and now that they are reconciling and sorting out their differences, new differences have come up between Nawaz and his brother Shamas Siddiqui, who is also the director of Bole Chuliya. In fact, Shamas ne khud ek interview mein ye confirm kiya hai that they are in reality having differences, but unhone ye bhi kaha hai that these are creative differences that often happen between a director and an actor. उन्होंने कहा that while he wanted the project to be commercial, Nawazuddin wanted it to be more personal. और इस बात पे उन दोनों की थोड़ी सी differences हो गई है। इनके बीच के differences थोड़ी सी apparent हो गई थी when Shamas hit back at Nawazuddin for lashing out at celebs who are vacationing in Maldives. एक interview में उन्होंने ये भी कहा था that the initial choice for Bole Chuliya for him was Ayushman Khurrana and not his own brother. Well, we hope कि ये differences जल्दी से sort out हो जाए. कोरोना का कहर जैसे जैसे तेजी से बढ़ता है, वैसे वैसे मदद के हाथ भी आगे आ रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज भी इस राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अब खबर आई है कि अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के एक कोविड सेंटर में 2 करोड़ रुपए दान दिए हैं। जी हाँ, ये कोविड सेंटर दिल्ली के रकाबगंज में खोला गया है। ये 400 बेड का कोविड सेंटर है, जिसमें आपको ऑक्सीजन बेड और खाना मुहैया कराया जाएगा। बताया गया है इससे पहले कि रोहित शेट्टी ने भी इस कोविड सेंटर में दान दिया है। और बता दें कि 10 मई से ये कोविड सेंटर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो ये थी आज के दिन भर की बड़ी एंटरटेनिंग खबरें डेली पंच में, और ऐसी ही खबरें हम कल फिर लेकर मिलेंगे। लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए देसी मार्टिनी के साथ।